हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 100 तक की कंप्लीट कर लिए हैं, आज हम इस वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन मैं उससे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो ड्रेस मेकिंग, फैशन टेक्नोलॉजी एंड स्विंग टेक्नोलॉजी, इन तीनों ही ट्रेडों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चन ये ड्रेस मेकिंग के हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस फैशन टेक्नोलॉजी एंड स्विंग टेक्नोलॉजी में कब पूछे जाते हैं। सो ये तीनों ट्रेडों के लिए ही बहुत ही वैल्यू रखती है। और हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 90 60 58 28 42 90 60 58 28 42, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और भी बेहतर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 नंबर है, नवीनीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? नवीनीकरण का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, उन्नत प्रौद्योगिकी, मानव दिमाग मतलब ह्यूमन माइंड, प्रतियोगियों का दबाव, अनुसंधान। तो क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर क्या होगा? बी, मानव दिमाग। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। लागत के बाद कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया की है? लागत के बाद कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर क्या होगा? सी, उत्पादन योजना। क्वेश्चन नंबर 103, चैनल बाजार वितरण में मेंबर से बने होते हैं। चैनल बाजार वितरण के मेंबर से बने होते हैं। चैनल मार्केट्स आर मेड ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर क्या होगा? बी, श्रृंखला। किससे बने हुए होते हैं? श्रृंखला से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटकर विक्रेता की ओर से क्या होता है? फुटकर विक्रेता की ओर से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या होगा? सी, आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 105, गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट के विकास में मुख्य चुनौती क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट के विकास में मुख्य चुनौती क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर क्या होगा? डी, ये सभी, नमूनों का आकार, नमूनों की संख्या, नमूनों की आवृत्ति, ये सब ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट के विकास में। तो ये क्या होंगे? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, डिज़ाइन की गुणवत्ता संदर्भित करती है। डिज़ाइन की गुणवत्ता क्या संदर्भित करती है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर क्या होगा? ए, उत्पादन में सन्निहित गुणवत्ता की विशेषताओं का स्तर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, प्रक्रिया नियंत्रण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 107, उसके ऑप्शन दिए हुए, उत्पादन नियंत्रण के बाद, उत्पादन से पहले, उत्पादन के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर क्या होगा? सी, उत्पादन के दौरान। 108 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कम लागत अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के लिए आवश्यकता होती है। कम लागत अधिक मात्रा वाली वस्तुओं के लिए आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, किसी भी निरीक्षण की नहीं, थोड़े निरीक्षण की, गहन निरीक्षण की, 100% निरीक्षण की। तो
तो क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर होगा बी, थोड़े निरीक्षण की। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, कम लागत अधिक मात्रा वाली, मतलब पैसा कम लगा, अधिक मात्रा वाली वस्तुएं हैं उसमें निरीक्षण की क्या ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 108 है, 108 है, इसमें ऑप्शन होगा थोड़े निरीक्षण की, मीन कम लागत में जब चीज़ बनती है तो जो उसका निरीक्षण होता है वो बहुत ही कम होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। प्रमुख डाई और मुद्रण दोष कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं डाई के दाग, रंग का निकलना, छायांकन, ये सभी। तो 109 का राइट आंसर क्या होगा? ये सभी, ऑल ऑफ 30, सॉरी डी, ऑल ऑफ 30। आगे देखते हैं 110 नंबर, नियंत्रण प्रक्रिया का पहला उपाय क्या है? नियंत्रण प्रक्रिया का पहला उपाय क्या है? संसाधन का आवंटन, कार्य के लिए मुख्य कार्मिक का चुनाव, एक रणनीति का चुनाव, मानक तय करें। कार्य के लिए मुख्य कार्मिक का चुनाव, एक रणनीति का चुनाव, मानक तय करें। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या होगा? डी, मानक तय करें, सेट स्टैंडर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पहले कहाँ विकसित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन पहले कहाँ विकसित किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया। तो क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर क्या होगा? सी, सबसे पहले जापान में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन विकसित किया गया था। कहाँ पे? जापान में विकसित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, वह जगह जहाँ फैशन डिज़ाइनर या फैशन फोटोग्राफर अपना काम करते हैं। ये पता होना चाहिए इंसान को कि जैसे कि एक टीचर का काम होता है विद्यालय में, वो ट्यूशन पढ़ाने जाता है, विद्यालय में पढ़ाता है, तो उसको वो कहाँ काम करता है? विद्यालय में। ठीक उसी तरह फैशन डिज़ाइनर जो होते हैं, जो फैशन फोटोग्राफर होते हैं, इनका काम कहाँ होता है हमें पता होना चाहिए। अब फैशन डिज़ाइनर तो हमें ये नहीं पता कि काम कहाँ करते हैं, तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, सब पता होनी चाहिए। तो फैशन डिज़ाइनर की मेन जगह कहाँ होती है? फैशन फोटोग्राफर या फैशन डिज़ाइनर की जो काम करने की जगह होती है वो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर क्या होगा? फैशन स्टूडियो, ए। फैशन डिज़ाइनर और फैशन फोटोग्राफर कहाँ काम करते हैं? फैशन स्टूडियो में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113, सीम रिपर का प्रयोग के लिए किया जाता है, सीम रिपर का प्रयोग के लिए किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन दिए हुए, टाँके निकालने, कपड़े को चिन्हित करने, कपड़े के दो टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए, और सुई सूत्रण, थ्रेडिंग द नीडल। तो क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर क्या होगा? टाँके निकालने के लिए, सीम रिपर का प्रयोग जो होता है, जो टाँके लगे हुए होते हैं उनको खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, सिलाई सामान को भी कहा जाता है, ये जो सिलाई के प्रोडक्ट होते हैं, सामान, सुई, धागा और थ्रेड एक्सेट्रा, जो भी उसमें थिंकिंग होती है, उनको जो है कहाँ क्या कहा जाता है, सामान को कहा क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, उत्पादन, नोशन, सामग्री, स्टिचरी, तो स्टेशनरी। तो क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर क्या होगा? नोशन, बी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, एक छोटा पैमाना जो छोटे माप के लिए प्रयोग किया जाता है, एक छोटा पैमाना जो छोटे माप के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, एल स्क्वायर, सीम रिपर, कैची, सीम गेज। तो 115 का राइट आंसर क्या होगा? डी, सीम गेज। 115 का राइट आंसर क्या होगा? सीम गेज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, सुई में छेद कहलाता है, जो सुई का जो छेद होता है, सुई में ऊपर जो पॉइंट बना हुआ होता है जिसमें धागा डालते हैं, उसे क्या कहते हैं? पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जितने भी दो तीन क्वेश्चन इससे पहले हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो सुई के ऊपर बना होता है नीडल, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, आई, केसिंग, ओपनिंग, थ्रेडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या होगा? ए, ये जो ऐसे एक सुई में बना हुआ होता है जिसमें से ये धागा एंट्री करता है, यूँ तो ये जो ये होता है इसे आई बोलते हैं, यही होता है जिसको आई बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, कौन सी रेखा पीछे के भाग को दो बराबर हिस्सों में बांटती है? ऑप्शन दिए हुए, सेटर बैक, सेटर फ्रंट, एपेक्स लाइन, आर्म होल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा? सेंटर बैक।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। साइड सीम की माप क्या स्थापित करती है? साइड सीम की माप क्या स्थापित करती है? तो आर्म होल की गहराई, गले की गहराई, एपेक्स की गहराई, बस्ट की गहराई। तो क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर क्या होगा? ए, आर्म होल की गहराई। 119 क्वेश्चन देखते हैं। किस परिधान उत्पादन प्रक्रिया को उत्पाद विकास चरण के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कटाई, वस्तु नियोजन, नमूना चयन, लागत निर्धारण। तो क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर होगा सी, नमूने का चयन करना, जो सैंपल होता है उसका सही से चयन करना। 120 लास्ट क्वेश्चन, कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया सिलाई के बाद की जाती है? कौन सी, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कौन सी परिधान उत्पादन प्रक्रिया सिलाई के बाद की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, थ्रेटिमिंग, कटाई, वस्तु नियोजन, नमूना चयन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? ए, थ्रेड ट्रिमिंग। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक पढ़ा। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक कर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।